बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में नंदनवन यह पाठ सीखेंगे। नंदनवन पाठ में यह पृष्ठ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो और बताओ। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, यह नारा यहाँ पे दिख रहा है। जब मई जून में बहुत गर्मी होती है, तब हमको लगता है कि हमें बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए। नंदनवन, नंदनवन का अर्थ क्या है? बाग, उद्यान, बगीचा, इनको नंदनवन कहते हैं। बच्चों, आपको बगीचे में जाना पसंद है कि नहीं? तो चलो आज हम इस नंदनवन में जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पशु और पक्षी है दिखाई दे रहे हैं आपको? तो यहाँ पे एक तोता है। तोता क्या बोल रहा है? नमस्ते। तो आप किसे नमस्ते कहते हैं बच्चों? तो आप अपनों से बड़े, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, पिताजी, माताजी, दादाजी, नानी जी, उनको आप नमस्ते कहते हैं कि नहीं? वैसे ही तोता अपने दोस्तों को नमस्ते कह रहा है। तो यहाँ पे उसके दोस्त है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक तितली है, वो रंग बिरंगी तितली है। वो क्या बोल रही है? आपका यहाँ पे स्वागत है, ऐसे तितली बोल रही है। और यहाँ पे कितनी सारी रंग बिरंगी रंग की तितलियाँ है। यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? खरगोश। खरगोश, एक नन्ना सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? नाचो और गाओ, आप खुशी से रहो, ऐसे वो बोल रहा है। यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? लोमड़ी। लोमड़ी कहती है, हम सब साथ रहते हैं, तो हम यहाँ पे सब साथ में रह के बहुत सारी मस्ती करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा सा हाथी दादा, बड़े बड़े कानों वाला, वो क्या कर रहा है? एक कतार में चलो, ऐसे वो कह रहा है और उसकी बात सब सुनते हैं। तो बच्चों, आपको नंदनवन यह पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। बाय बाय।